नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली नारायण आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज सुनते हैं उर्दू साहित्य के महान लेखक इंतजार हुसैन जी की लिखी बहुत ही खूबसूरत कुछ प्रतीकात्मक सी कहानी बादल। वो बादलों की तलाश में दूर तक गया, गली गली घूमता हुआ कच्चे कोई आ पहुंचा, वहां से कच्चे रास्ते पर पड़ लिया और खेत खेत चलता चला गया। मुखालिस सिमत से एक घसियारा घास की गठरी सर पर रखे चला आ रहा था। उसे उसने रोका और पूछा कि इधर बादल आए थे? बादल? घसियारे ने इस ताज्जुब से कहा जैसे उससे बहुत अनोखा सवाल किया गया हो। हाँ, बादल। और जब घसियारे की हैरत में कोई कमी ना आई तो वो उससे मायूस हुआ और आगे चलकर उसने खेत में एक हल चलाते हुए किसान से यही सवाल किया, इधर बादल आए थे? किसान की समझ में भी ये सवाल ना आया, उसने सटपटा कर कहा, बादल? हाँ, बादल। असल में वो बादलों के मुतालिक ऐसे पूछ रहा था जैसे ढूंढने वाला राह चलते हुए से गुम हो जाने वाले बच्चे के मुतालिक पूछता है। शायद बादल भी गुमशुदा बच्चे थे कि वो उन्हें ढूंढता फिर रहा था और हर राह चलते से पूछ रहा था, मगर किसी ने उसे तशफी बख्श जवाब नहीं दिया। सबसे पहले आज सुबह उसने अम्मा जी से ये सवाल किया था, अम्मा जी बादल कहाँ गए? कौन कहाँ गए? अम्मा जी ने उससे ऐसे पूछा जैसे उसने बहुत अहमकाना सवाल किया था। बादल? बादल? अरे तेरा दिमाग चल गया है, जल्दी जल्दी मुंह हाथ धो, नाश्ता कर और स्कूल जा। अम्मा जी के इस अंदाजे बयान ने उस पर एक नाखुशगवार असर छोड़ा। उसने बेदिली से हाथ मुंह धोया, नाश्ता किया और किताबों का बैग गले में डाल स्कूल के लिए घर से निकला। मगर घर से निकलते ही उसके जहन में फिर वही सवाल उभरा, बादल कहाँ गए? और इसके साथ उसे रात का वो वक्त याद आया जब उसने बादल उमड़ते गरजते देखे थे। जब वो सोने लगा था उस वक्त आसमान बादलों से खाली और सितारों से भरा हुआ था। हवा बंद थी और गर्मी से नींद नहीं आ रही थी। उसे मुश्किल से नींद आई। फिर जाने क्या वक्त था कि उसकी आंख खुल गई। जो वक्त भी हो उसके लिए वो आधी रात थी। दूर आसमान पर बादल एक गरज के साथ उमड़ रहे थे। बीच बीच में बिजली चमकती और उस चमक में वो बादल बहुत काले काले नजर आते। उसे लगा कि बहुत जोर की बारिश आएगी, मगर उसमें नींद कितनी खराब होती। बस इसी अंदेशे से उसने आंखें बंद कर ली। ऐसे हो गया जैसे उसे खबर ही नहीं है कि आसमान बादलों से बिल्कुल खाली था और सहन में बूंदे पड़ने के कोई आसार नहीं थे। उसे पहले ताज्जुब हुआ, फिर अफसोस हुआ। ताज्जुब इस पर कि बादल इतने उमड़ घुमड़ कर आए थे और बरसे नहीं, फिर गए कहाँ? अफसोस इस पर कि वो सो क्यों गया? जैसे वो जागता रहता तो बादल आंखों से ओझल ना हो पाते और फिर बरस कर ही जाते। वो बारिश हो जाती तो मौसम की पहली बारिश होती, मगर उसके सोते हुए बादल घर कर आए और चले गए।
बारिश की कोई बूंद नहीं पड़ी। बरसात का मौसम खाली गुजरा जा रहा था। उसने चलते चलते एक बार फिर आसमान का जायजा लिया। दूर तक कोई बादल नहीं था। खाली आसमान में सूरज एंड उसके सर पर चमक रहा था। वो स्कूल का रास्ता छोड़कर खेतों में निकल गया। खेतों के बीच पतली पतली बटियों पर होता हुआ वो दूर निकल गया। धूप बहुत तेज थी। उसका बदन फूकने लगा, हल्क खुश्क हो गया। कई खेत पार करने के बाद घनी छांव वाला एक पेड़ दिखाई दिया। केस की छांव में कुआं चल रहा था। गोया रेगिस्तान में चलते चलते नखलिस्तान आ गया। उसने दरख्त की छांव में पहुंचकर किताबों का बैग एक तरफ रखा। कुएं के पास पहुंचकर उसने रहट से निकलते हुए पानी से पैर धोए, हाथ मुंह धोया और फिर जी भरकर पानी पिया। हाथ मुंह धोकर पानी पीकर आंखों में ठंडक और रोशनी आई। अब उसने इर्द गिर्द का जायजा लिया। कुएं के पास ही टूटे से मूढ़े पर एक बड़े मियां बैठे हुक्का पी रहे थे। उसने कई मर्तबा बड़े मियां की तरफ देखा, कुछ कहना चाहा, मगर फिर हिम्मत छोड़ बैठा। आखिर उसने हिम्मत बांधी और बोला, बाबा जी इधर बादल आए थे। बड़े मियां ने हुक्का पीते पीते उसे गौर से देखा, फिर बोले, बेटा बादल छुपकर तो नहीं आएंगे। जब घर कर आएंगे तो आसमान जमीन को पता चल जाएगा। मगर रात को बादल आए थे और किसी को पता ही न चला। रात बादल आए थे, बड़े मियां ने कुछ सोचा, फिर ऊंची आवाज से अल्लादीन से मुखातिब हुए, अल्लादीन रात बादल आए थे। अल्लादीन बैलों को हांकते रुका, बोला, मैं तो जी रात खाट पर पीठ लगाते ही सो गया था, मुझे पता नहीं। फिर बड़े मियां बोले, बेटा बादलों के खाली आने से कुछ नहीं होता। मैं ऐसे इलाके में रह चुका हूं जहां 10 साल से बारिश नहीं हुई थी। 10 साल से? उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हां 10 साल से, मगर बादल आते थे। मैं जिन दिनों वहां था उन दिनों भी एक दफा बादल बहुत घिर के आए थे, मगर पानी की एक बूंद नहीं पड़ी। अजीब बात है। अजीब बात कोई नहीं, बारिश उसके हुक्म से होती है। उसका हुक्म होता है तो बादल बरसते हैं, उसका हुक्म नहीं होता तो बादल नहीं बरसते। बड़े मियाँ के इस बयान के साथ साथ उसके तसव्वुर में पिछली मुख्तलिफ घटाएं उमड़ आईं, वो घटाएं जो घटा घोप अंधेरे के साथ उठी, जैसे बरस कर जल थल कर देंगी, मगर बूंद बरसाए बगैर गुजर गई। वो घटाएं जो चंद बेमानी सी बदलियों की सूरत में आई और ऐसी बरसी कि नाल तालियां उमड़ आई। बड़े मियां ने तपते आसमान की तरफ देखा, फिर बड़बड़ाए, मौसम गुजरा जा रहा है, पता नहीं उसका हुक्म कब होगा। जवाब में वो भी बड़बड़ाया, मीना बरसता ही नहीं, पता नहीं बादल आके कहां चले गए। बेटा क्या बरसे, बरसेगा तो खबरें आने लगेंगी कि सैलाब आ गया, आसमान बखील हो गया, जमीन में जर्फ नहीं रहा। बारिश होती ही नहीं, होती है तो सैलाब उमड़ पड़ता है। बड़े मियाँ की बातें उसकी समझ में कुछ आई कुछ ना आई। वो बैठा सुनता रहा। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि बहुत देर हो गई है। किताबों का बैग उठा, गले में डाल, उठ खड़ा हुआ।
मिट्टी, धूल और धूप में वो देर तक चलता रहा। जिन रास्तों से आया था उन्हीं रास्तों पर लौट रहा था। धूप अब भी तेज थी, मगर जब वो कच्ची कुई के पास पहुंचा तो उसे लगा कि हवा में एक ठंडी लकीर सी तैर गई है और कदमों के नीचे मिट्टी कुछ सीली सीली है। बस्ती में दाखिल होते हुए उसने देखा कि रास्ता यहां से वहां तक गीला है। दरख्त कि उसके जाते वक्त रोज की तरह धूल में अटे खड़े थे, अब नहाए धोए नजर आ रहे हैं, और नाला कि पिछली बरसात के बाद खुश्क चला आ रहा था, रवा हो गया है। खुशी की एक लहर उसके अंदर दौड़ गई। अब उसे घर पहुंचने की जल्दी थी। वो देखना चाहता था कि उसके सहन में जो जामुन का पेड़ खड़ा है वो कितना तरोताजा हुआ है। घर पहुंचकर उसने फिजा को बारिश के हिसाब से बदला हुआ पाया। जामुन से बहुत से पत्ते नीचे गिरे पड़े थे और गीली मिट्टी में लतपत थे। बाकी दरख्त नहाया धोया खड़ा था और अम्मा जी एक आसूदगी के लहजे में कह रही थी, अच्छी बारिश हो गई, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा तो गर्मी से दम उलटने लगा था। जामुन की टहनों से बूंदे अभी तक टप टप गिर रही थी। वो पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और बूंदों को अपने सर पर और अपने गालों पर लिया। उसकी नजर आसमान पर गई। आसमान धुला धुला नजर आ रहा था। अब वहां कोई बदली नहीं थी। उसे ख्याल आया कि वो बादलों की तलाश में धूप और धूल में कितनी दूर तक गया, और बादल उसके पीछे आए और बरसकर चले भी गए। इस ख्याल ने उसे उदास कर दिया। बारिश में भीगी सारी फिजा उसे बेमानी नजर आने लगी। दोस्तों, और इसी के साथ ये मुख्तसर सी, कुछ मुख्तलिफ सी कहानी यहाँ पूरी हुई। बादल गरजे, बिजली चमकी, बरसों से जिसकी राह देखी, इतना इंतजार किया कि उसके आने की उम्मीद भी खत्म हो गई, वो बारिश हुई। मन को, तन को, गांव, शहर और घर को भिगोकर फिर चली गई। एक बार और बादल छाने और बारिश होने का लंबा इंतजार और उम्मीद देकर, जिंदगी में खोई हुई खुशियों के फिर से आने की, और एक बार फिर तन, मन और आत्मा को भिगो देने की उम्मीद देकर। इसी खूबसूरत भाव के साथ अब चलती हूँ। बहुत जल्द फिर मिलूंगी। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। अब तक ना किया हो या चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कहानी से संबंधित अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर बताएं। स्वस्थ, सुरक्षित, प्रसन्न और आशान्वित रहें। नमस्कार।